हे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और मैं इधर तैयार हो रही हूँ, जा रही हूँ घूमने, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ ये वीडियो भी। और गले में मोटा वाला मैं पहनी थी, सेट मैं लेके आई थी, तो फिर मुझे अच्छा तो बहुत लग रहा था, देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा बड़ा हो जा रहा था, तो इतना पहन के चलना तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता, तो मैंने निकाल के बैग में रख लिया था कि शायद बाद में पहनूं, लेकिन नहीं पहन पाई थी मैं। और इधर दुबे जी भी तैयार हो रहे थे, और मेरा रूम पूरा फैला हुआ है, क्योंकि हम लोग घूम के आए थे उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर से, तो उसके बाद कुछ दिन बाद का ही वीडियो है। संडे दिन था, तो बच्चों से मैंने प्रॉमिस किया था कि हम घूम के आएंगे तो आप लोगों को भी घुमा देंगे, तो वहीं लेके जा रहे थे घुमाने बच्चों को। तो बच्चों को जाना था पार्क में, वाटर पार्क, तो वहीं गए हुए थे। तो खुशी रोज़ झगड़ा कर रही थी कि आप लोग तो घूम के आ गए, हम लोग कब जाएंगे, लेकिन जबकि मैंने जाते वक्त बोला था कि मैं आऊँगी तो उसके 1-1 महीने बाद घुमा दूँगी, लेकिन उसे बस ये था कि नहीं, अब आप लोग आ गए तो मुझे भी घुमाइए। तो वहीं हम लोग जा रहे थे घूमने और बच्चों को घुमाने, तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं, एक्वा जंगल पार्क है अरोरा में, मिर्ज़ापुर जिला में है, और अरोरा चुनार के आगे। तो बस वहीं हम लोग पहुँच चुके हैं, और इधर मेरे दोनों बच्चे खड़े हुए हैं गेट पे, क्योंकि अभी हम उनके पापा इधर उधर थे, गाड़ी सेट करा रहे थे, पार्किंग में लगवा रहे थे, तो हम लोग बाहर ही खड़े थे। और धूप बहुत ज़्यादा हो गया था, तो हम लोग सोच रहे थे कि आके हमने गलती कर दिया क्या, क्योंकि पहले बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, उसके बाद फिर धूप हो गया, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो इधर टिकट लेने के लिए दुबे जी गए थे सभी लोगों का, तो टिकट करवा लिया है उन्होंने, और फिर मैं दिखा रही थी कि कैसा है ये, बहुत सुंदर बहुत प्यारा है पार्क। अगर जो भी मिर्ज़ापुर ज़िले में रहते हैं तो ज़रूर एक बार जाएं यहाँ पे, और जो दूर के हैं तो कोई बात नहीं, हर जगह होता ही है कुछ ना कुछ बच्चों के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं, सजावट और बनावट बहुत सुंदर है, बहुत पसंद आया, मुझे भी पसंद आया, बच्चों को भी पसंद आया, सबको पसंद आया। और जो चीज़ें अच्छी होती हैं पसंद सबको आ ही जाता है, और मैं दिखा रही थी पूरा आप लोगों को, क्योंकि जो लोग मिर्ज़ापुर में रहते हैं ज़िले में नहीं गए हैं तो घूम भी लेंगे। सबसे बड़ी खासियत यह है कि पहाड़ के पास में है, आप लोग देख सकते हैं जस्ट पहाड़ है बगल में, तो इससे और सुंदर हो जाता है, और बनावट भी अच्छी है, और जस्ट बगल में पहाड़ है, तो फिर तो बस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। आप लोग भी देख लीजिए, अभी तो हम लोग यहाँ पे पहली बार आए थे, तो इसलिए घूम के चारों बगल देख रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या है कैसे है कुछ। पहली बार कहीं अगर जाओ तो कुछ देखने में सोचने में समय लगता है, तो वहीं हम लोग बस इधर उधर देख रहे थे, और बहुत प्यारा बना हुआ था और जगह भी बहुत प्यारा था, क्योंकि पहाड़ की वजह से इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। तो हम लोग यहीं सब आपस में बात कर रहे थे कि हम लोग गलत समय आ गए, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी इस वक्त, तो यहीं इधर उधर करके तो फिर हम फोटो पिक्चर यही सब हो रहा था, और खुशी
कैमरा मैन बनी हुई थी फोन लेके मेरा, तो यही सब रिकॉर्ड कर रही थी। और नहीं तो मैं इतना कर भी नहीं पाती, भूल जाती। ये सब खुशी ने ही रिकॉर्ड किया था, क्योंकि खुशी के पसंद की जगह हम लोग गए थे। खुशी को बहुत पसंद आया था ये पार्क, सबको पसंद आया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खुशी को पसंद आया। तो हम लोग आपस में बात विचार कर रहे थे क्या करें, धूप बहुत ज़्यादा था। हम लोगों को एक जगह और दर्शन करने भी जाना था, भंडारी देवी पास में ही है। तो वही बात कर रहे थे कि हम लोग यहाँ से चले, फिर लग रहा था कि नहीं टिकट हो गया है तो अभी रुक जाते हैं, लेकिन धूप की वजह से समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए क्या करें। और सब लोग तो अंदर हैं। आधा घंटा के लिए हम लोग इधर उधर हो गए थे, जब नहीं समझ में आ रहा था तो क्या करें, तो आधा घंटा इधर उधर देख के समझ रहे थे कि जाएं या ना जाएं अंदर वाटर पार्क में। फिर उसके बाद हम लोग चले आए थे रेस्टोरेंट में, वहीं पे है रेस्टोरेंट अंदर ही। तो रेस्टोरेंट तो देखने में तो अच्छा था, लेकिन हम लोगों के लिए नहीं था शायद, क्योंकि हम लोग वहाँ पे ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाए, क्योंकि बहुत वहाँ से स्मेल आ रही थी। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो सही है, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। और एक चिड़िया का बच्चा था, उसी को खुशी रखने के लिए गई थी, तो वहीं पे हम लोग बैठे थे रेस्टोरेंट के बाहर, अंदर तो नहीं गए थे। और छोटा सा बच्चा था, फिर उसके बाद हम लोग आके बैठे थे तो आ गई, बच्चा भी यहीं पे आ गया था, तो खुशी उसे हाथ पे लिए थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ। जो लोग वहाँ पे स्टाफ के थे वो लोग भी बोल रहे थे कि साधु खुशी को पहचान रहा था, इसलिए खुशी के पास आके बैठ गई चिड़िया, और मैं ये व्यू दिखा रही थी। हम लोग रेस्टोरेंट में गए थे, बट वहाँ पे कुछ खाया पिया नहीं, बस कोल्ड ड्रिंक लिया था, बच्चों ने फ्रूटी लिया था, यहीं सब लेके वहाँ से चले आए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। तो ऐसी जगह पे जब हम नॉनवेज नहीं खाते तो वहाँ पे रहना ही मुश्किल हो गया था। और इधर आ गए हैं, यहाँ लाकर है, देख सकते हैं आप लोग सामान मन बैग वगैरह रखने के लिए, क्योंकि वाटर पार्क में जाना होगा तो सब कुछ अपना रख के तो जाना पड़ेगा, कपड़ा बैग तो वहीं पर सोर्स था, और तो कुछ सामान लेके हम लोग गए नहीं थे। और यहाँ पे कपड़ा जो मिलता है वो सब कपड़ा ले लिए थे दुबे जी सबके लिए। तो मेरा बेटा तो नहीं गया था पार्क में, क्योंकि उसे नहीं पसंद, वो सिर्फ बाथरूम में नहाएगा और बाहर कहीं नहा नहीं सकता, तो नहीं गया। हम तीनों लोग गए थे, और दुबे जी को कपड़ा दे रही थी मैं, और खुशी के लिए खुशी बोल रही थी मम्मी मुझे ब्लैक टी शर्ट चाहिए, तो ब्लैक ही मिला ही था, तो खुशी के लिए वही कपड़ा दे रही देख रही थी अपने लिए भी। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे बाथरूम, तो यहाँ का ये है बाथरूम कपड़ा चेंज करने के लिए। खुशी देख रही थी कि किस बाथरूम में जाए, और कपड़ा हम लोगों ने फाइनली चेंज कर लिया है, अब जा रहे हैं उसे रखने। जो कपड़ा हम लोगों ने निकाला हुआ है पर्स सब इसी में रख देंगे, लॉकर ले लिया था एक, तो एक लॉकर में तो सब तीनों लोगों का कपड़ा हो गया था। मैं टी शर्ट ऐसे पहनती नहीं, तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि कुर्ती पहनती हूँ, लेगिंग्स पहनती हूँ, और टी शर्ट तो नहीं पहनती मैं। तो इसके लिए मैं दोबारा भी गई थी कि फुल अगर लोअर हो तो मुझे दे दीजिए, बट वो बोले कि नहीं कैफी टाइप में ही है, फुल लोअर नहीं है। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं अब पानी में, और इतना तेज बहाव था कि मैं तो एक बार गिर भी गई थी, बीच में बैठ गई थी, तो वहाँ से पानी फेंक के मुझे लाया किनारे में। आप लोग देख सकते हैं बहुत तेज बहाव है, और इधर हम लोग थोड़ी सी मस्ती भी कर रहे थे साथ के साथ ही। यहाँ पे खुशी वीडियो बना रही है, आप लोग देख सकते हैं, जस्ट बगल में पहाड़ है पीछे, और इधर आ गए हैं हम लोग। और यहाँ पे जाने के बाद पता नहीं क्या हो गया था मुझे, मैं पानी में बहुत बार गिरी थी, बहुत बार, 3-4 बार तो मैं कलैया खा खा के नीचे चली गई थी अंदर। ये था कि पानी में दवा मिलाया गया था कि किसी को नुकसान ना करें, इस बीमारी को देखते हुए पानी में दवा मिला दिया गया था, नहीं तो हम लोग 3-4 घंटे पानी में भीगे हुए थे। इतना भीगने के बाद तो सर्दी जुकाम ऑटोमेटिक हो जाता है, और 3-4 घंटा हम लोगों ने पानी में खूब
खुद खुद के नहाया हुआ था, और देख सकते हैं आप लोग पानी कैसे झटक दे रहा है। मैं तो गिर गई थी, मैं तो बीच में बैठ गई थी, वहाँ से उठा के पानी मुझे ले आया बाहर और दिया फेंक दिया था। और दवा की वजह से सब लोग ठीक ठाक थे, वहाँ से घूम के आने के बाद भी कुछ किसी को हुआ नहीं। नहीं तो डर रही थी मैं कि इतना पानी भीगने के बाद तो सर्दी तो करना ही था, बट ऐसा नहीं हुआ। और आप लोग देख सकते हैं दुबे जी को किस तरह पानी में फेंक दिया उठा के, तो फिर हम लोगों की तो कोई औकात ही नहीं थी। और खूब मस्ती किया हम लोगों ने। मैंने फ़ोन लिया था यहाँ पे आप लोगों से बात करने के लिए, बट इतना शोर हो रहा था, इतने सारे लोग थे तो आवाज़ तो आनी ही थी, इतना शोर हो रहा था कि फिर मैंने नहीं बोला, ऐसे ही वीडियो बना के छोड़ दिया। और ये ऊपर से सरकने के लिए था, तो यहाँ पे मैं जो बता रही थी आप लोगों से, मैं 3-4 बार गिरी थी इस वाले पार्क में। मैं ऊपर से आई और पता नहीं कैसे मेरा हाथ छूट गया और मैं नीचे गई, 3-4 कलैया मैं खा गई थी। और बचाने के लिए मुझे लोग आए थे, जो यहाँ पे हर जगह सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे। अगर पानी में देखिए, पानी में भी ऑरेंज कलर के कपड़े पहन के खड़े हैं दो लोग। ये लोग पानी में थे और बाहर थे, और हम, मैं और दुबे जी ऊपर से आ रहे थे। एक बार तो हम लोग आए तो गिर गई थी मैं ऊपर से नीचे पानी में आके धड़ाम से, तो लोग मुझे बचाने के लिए आए थे, उठाए, तो फिर मैं कैसे 10 मिनट तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर उसके बाद तो फिर सही हुई। और हम लोग उतर चुके हैं 3-4 बार में ऊपर से, 3-4 बार हम लोग ऊपर से भी आ गए थे। खूब फुल मस्ती किया हम लोगों ने। अगर आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा ज़रूर, और ना अच्छा लगा हो फिर भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप लोग अपनी राय दीजिएगा कि कहाँ गलत है, क्या सही है, क्या गलत, क्योंकि आप लोग बताएंगे तभी तो समझ में आएगा कि वीडियो अच्छी है कि नहीं मेरी। और आज के वीडियो में यही है बस, मस्ती हम लोगों की, तो फुल मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ फुल मस्ती। जब ऊपर से मैं गिरी थी तो 10 मिनट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, अब फिर पानी में जाऊं या ना जाऊं, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, दुबे जी तो बोले कि नहीं अब बस करते हैं, हम नहीं जाते। और खुशी कुछ बात करना चाह रही थी, बट इतना आवाज़ आ रहा था कि शोर हो रहा था। यहीं बता रही थी कि हम लोग मस्ती कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। ऊपर से जब आई तो दुबे जी बोले कि नहीं बस करते हैं, हम नहीं चलते ऊपर। लेकिन इतनी बेरहमी से मैं गिरी थी कि जितने लोग वहाँ थे सभी लोग डर रहे थे ऊपर से, लेकिन फिर मैंने सोचा जब मस्ती करने आए हैं तो फिर डरे क्या। फिर बैठ के मैं 2-3 बार तुरंत ही गई, फिर डर सबका गायब हो गया। और इधर मैं दिखा रही थी कि पार्क में क्या क्या है। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी पिक्चर ली थी। और हम लोगों की मस्ती चालू है क्योंकि मस्ती करने ही आए थे यहाँ पे।
तो मैंने फुल आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। और जो लोग न्यू आ रहे हैं प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे पार्क में मैं दिखा रही थी कि बहुत सारी चीज़ें हैं प्यारी जो कि अच्छी लगती हैं, और ऊपर दुबे जी और खुशी कंपटीशन में लगे हुए थे, बाप बेटी तो जा रहे थे कि कौन पहले पहुँचेगा, तो बाय मुझे बोल के सब लोग चले गए हैं। मैं पीछे से जा रही हूँ, कैमरामैन बनी हुई थी, और बस पहुँच गई हूँ मैं भी। ये लोग तो दौड़ के गए थे बाप बेटी, और यहाँ अपनी अपनी पोजिशन ले कर खड़े हुए हैं फोटो के लिए, पिक्चर के लिए, लेकिन मैं वीडियो बना रही थी। और यहाँ से व्यू दिखा रही थी आप लोगों को, यहाँ पे सब लोग स्नान कर रहे थे। एकदम पहाड़ के बगल में ही है, इसके पीछे एकदम जस्ट पहाड़ है। तो फाइनली अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं। अब हमने खूब सारी मस्ती की, 3-4 घंटा हम लोग पानी में रहे हुए थे। और इधर मैं बाहर का दिखा रही थी आप लोगों को कि बाहर भी बहुत मस्ती के लिए है, जो लोग अंदर नहीं जाना चाहते तो बाहर भी मस्ती कर सकते हैं। तो जो अंदर नहीं जाना चाहते जो लोग, तो बाहर रह के भी मस्ती कर सकते हैं, बाहर भी व्यवस्था है पूरी। बट जब वाटर पार्क में गए हैं तो जब पानी में नहीं जाएंगे तो अच्छा कहाँ से लगेगा। और फिर से मैं एक बार आप लोगों को व्यू दिखा रही थी, बस इसके बाद अब हम लोग बाहर जाएंगे। और थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम लोग बाहर आ चुके हैं फाइनली, आप लोग देख सकते हैं इतनी मस्ती के बाद आज पहली बार मैं इतनी बड़ी वीडियो बना रही हूँ। कैसी लगी आप लोगों को बताइएगा ज़रूर। Bye guys, take care.